नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके चैनल वर्चुअल टेक में। गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप धोनी का जो फ्रीडम कार्ड है उसी कार्ड से अगर तेल भरवाते हो, मतलब फ्यूल अगर लेते हो पेट्रोल या फिर डीजल, तो मान लो कि यहाँ पे अगर आप 200-300 का जो है पेट्रोल भरवाते हो उसके लिए आपको जो है 311 इसके अलावा भी 211 इस तरफ आपको जो है कटअप होते जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बताएंगे कि वो कटअप क्यों हो रहा है। तो इसके ऊपर मेरे से बहुत सारे जो सवाल पूछा गया, बहुत सारे जो है मेरे को इंस्टाग्राम में भी पूछा है कि सर काहे इतना 11 रुपीस करके कट रहे हैं हर एक टाइम और ये काहे नहीं हमें मिल रहा है। तो उन्होंने कॉल करने का कोशिश किया लेकिन उनका लगे नहीं, जैसे कि मेरे को बताया। तो इसके लिए मैंने कस्टमर सर्विस से कॉल किया है, तो उसके साथ मेरा जो बातचीत हुआ है वो मैं आपके सामने सुनाऊंगा। तो आप भी वो सारे सुनोगे तो आपको भी पता चल जाएगा क्यों ये 11 रुपीस करके कट रहे हैं और ये 11 रुपीस आखिर में आपको मिलेगा कि नहीं, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। यार अभी के लिए वो रिकॉर्ड एक बार सुन लो। मैंने 200 रुपीस का जो तेल भरवाया था, फ्यूल भरवाया था, तो उसके बदले में मेरे को जो है 211 रुपीस का जो है अकाउंट बैलेंस कटअप हुआ है। ये 11 रुपीस किस लिए कटअप हुआ है? ओके मैं आपको बता देती हूँ वो 11 रुपए आपका किस लिए कटअप हुआ है। एक्चुअली सर देखिए, आप अगर पेट्रोल पंप पे जाके अपना कार्ड है वो स्वाप करवाते हैं ना, तो उसमें आपको जो है सरप्लस चार्जेस है वो पे करने होते हैं। जो सरप्लस चार्जेस होते हैं वो हमारी तरफ से नहीं काटे जाते हैं, वो बैंक की तरफ आपका सॉरी गवर्नमेंट की तरफ से काटे जाते हैं। और जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो 7-10 वर्किंग डेज में जो आपके सरप्लस चार्जेस काटे जाते हैं ना वो वापस आपके वॉलेट में आ जाते हैं। ओके ये मतलब इसका मतलब है ये जो 11 रुपीस कटअप हुआ है ये 11 रुपीस हमारे अकाउंट पे मिल जाएगा, वॉलेट में धनी के वॉलेट में मिल जाएगा। धनी के वॉलेट पे ये आपको मिल जाएगा, वापस हो जाएंगे 7-10 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। सरप्लस चार्जेस होते हैं जो कि पेट्रोल पंप पे करते ही करते हैं। तो गाइस रिकॉर्डिंग तो आपने सुनी लिया, तो आपको शायद पता चल गया कि किस लिए इधर 11 रुपीस करके कट रहे हैं वो, और 11 रुपीस आपको मिलेगा ये भी आपको पता चल गया। तो डोंट वरी, अभी जो है आपको पैसा कट हुआ है उसके बाद जो है 7-10 दिन तक वेट कर लो तो आपको 11 रुपीस जो रिफंड आ जाएगा। तो गाइस मेरे को भी ये रिफंड आ चुके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, साइड में मैंने चिपका दिया है। तो गाइस बता देते हैं कि ये जो पैसा 11 रुपीस कटते हैं ये सभी जो क्रेडिट कार्ड में कटते हैं। अगर धनी के अलावा कोई अगर क्रेडिट कार्ड अगर लेकर जाते तो उसमें पेट्रोल भरवाते हो तो यहाँ पे भी आपको 11 रुपीस को कटिंग होगा। ये कोई बैंक वालों नहीं कटते, ये गवर्नमेंट दौरान कटते हैं, कुछ उनका जो चार्जेस वगैरह लग जाते हैं तो वो आखिर में 7-10 दिन के बाद जो रिफंड कर देते बैंक वालों को, फिर बैंक वालों क्या करते आपको रिफंड कर देते। तो लगे से आप देख सकते कि यहाँ पे मेरे को जो है 10 रुपीज रिफंड हो चुके हैं। तो गाइस उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो भी आपको बहुत पसंद आया। तो देर किस बात की, यार वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और जरूर ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर कि आपका दोस्त को भी पता चल जाएगा ये क्यों 11 रुपीज करके कट रहे हैं, ताकि आपका दोस्त को भी सुकून मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया है, तो जल्दी से जाओ मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो जल्दी से जाओ हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। तो फिलहाल आज इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहेगा। जय हिंद, जय वंदे मातरम। We'll be right back.